इतना मतलब भी बेटा क्या होता है, इसका मतलब भी बेटा एक होता है, मतलब दोनों तो मतलब एक होता है। हाँ बेटा दोनों का मतलब एक एक होता है, दोनों ही सेम आर्टिकल है, दोनों ही इंडेफिनिट आर्टिकल। अच्छा मतलब एक बात बताओ, इतना मतलब एक होता है, इतना मतलब भी एक होता है, अदल हम इतो ऐथे लिख दें और इतो ऐथे लिख दें तो मैडम दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है? तो जरा एक बात बताइएगा। टीचर का रिप्लाई तुरंत क्या आएगा, अरे बेटा मैंने भी क्या बताया, जब कॉन्सोनेंट होता है तो ये वाला आर्टिकल आता है, जब वॉवल होता है तो ये वाला आर्टिकल आता है। फिर बच्चे ने क्या रिप्लाई दिया, अरे मैडम मतलब तो दोनों का एत ही होता है ना, ता इतना मतलब भी एत होता है, इतना मतलब भी एत होता है, तो हम ताहे ये लदा दें, हम ताहे ये लदा दें, हम आंत बोल दें, हम एन बॉय बोल दें, आखिर दिक्कत क्या है? फिर से रिप्लाई क्या आएगा, तपित होता पित हो लो, कॉपी में देखो क्या लिखा है, तो कॉपी में लिखा है जब वॉवल होता है तो एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट होता है तो आ लगाते हैं। लेकिन उस बच्चे का सवाल और उस बच्चे को उस सवाल का उत्तर नहीं मिला, ठीक है ना? तो उस बच्चे का क्या कहना है, मीनिंग दोनों की सेम है, बिल्कुल सही कह रहा है, तो आर्टिकल हमने इनमें लगा दे ये और इनमें लगा दे ये, तो आखिर दिक्कत क्या है? इसका जवाब किसी बुक में भी नहीं लिखा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग अपना पहला चैप्टर आर्टिकल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पूरी की पूरी इंग्लिश बिना किसी रूल के, जिसको हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश के नाम से। तो हमारा पहला चैप्टर है आर्टिकल, आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें जान लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो आर्टिकल चैप्टर होता है उसमें हम लोगों को दो चीजें पढ़नी होती है, कौन कौन सी चीजें, एक होता है आर्टिकल आ और एक होता है आर्टिकल एन, और दूसरी जो हमें इसमें चीज पढ़नी होती है वो होता है आर्टिकल द, ठीक है ना? तो आप लोगों को पहले से सब कुछ पता होगा, क्योंकि आप अगर इस लेवल पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि ए और एन होता है, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, एक द होता है जो डेफिनेट आर्टिकल होता है। याद रखिएगा, हम लोग एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो एग्जाम लेवल का कंटेंट ही पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है ना? देखिए, आर्टिकल ए और एन ये दोनों कौन से आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। कौन से आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। और जो आर्टिकल द होता है वो कौन सा आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। अब बात आती है कि ये इनडेफिनिट और डेफिनिट में क्या अंतर होता है, तो इस चीज को समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए, ये दो बच्चे हैं, ठीक, हर चीज में प्रैक्टिकल है, ठीक। देखिएगा, दो बच्चे हैं, इस बच्चे ने इस बच्चे से एक बात बोली, तो ये बच्चा क्या हुआ, स्पीकर हुआ, कौन हुआ, और ये बच्चा कौन हुआ, ये लिसनर हुआ, ये बोलने वाला और ये हुआ सुनने वाला। क्यों, क्योंकि हमारी जो भाषा होती है उसमें दो लोगों की ही जरूरत होती है, एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा, तभी हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। तो इस बच्चे ने इस बच्चे से, इसका एक पैर नहीं है दो पैर है, ठीक है ना, इस बच्चे ने इस बच्चे से एक बात बोली, क्या बात बोली, आई बॉट अ पेन, क्या बात बोली, आई बॉट अ पेन। और उसी बच्चे ने उसी बच्चे से एक और सेंटेंस बोला, आई बॉट द पेन। तो आप लोगों को यह समझना है, आई बॉट अ पेन इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है आई बॉट द पेन, ठीक, जरा समझिएगा चीज को। जब इस बच्चे ने बोला मैंने एक पेन खरीदा, आई बॉट अ पेन, तो कहने का मतलब क्या होता है कि आ जो आर्टिकल है वो इनडेफिनिट माना जाता है। इनडेफिनिट को कहने का क्या मतलब होता है, क्या होता है ये इनडेफिनिट, अनिश्चित क्या होता है, तो उसमें होता क्या, ध्यान से समझिएगा, जब बोलने वाले को उस नाउन के बारे में पता हो, जब बोलने वाले को उस नाउन के बारे में पता हो लेकिन सुनने वाले को उस नाउन के बारे में कोई भी जानकारी ना हो। फिर समझिएगा, जब बोलने वाले को उस नाउन के बारे में पता है कि मैं किस नाउन की बात कर रहा हूं लेकिन सुनने वाले को नहीं पता है कि वो पेन कौन सा, वो नाउन कौन सा, तो ये कहलाता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, जब बोलने वाले को भी पता है कि मैं किस पेन की बात कर रहा हूं और सुनने वाले को भी पता होता है कि मैं किस पेन की बात कर रहा हूं, तो आर्टिकल कौन सा आता है, द। जैसे मैंने आपसे बोला तुमको बताया आज हमने एक कार खरीदी है, तो बताइए आज मैंने एक कार खरीदी, इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, आई बॉट अ कार टुडे,
तो आपको पता है मैंने कौन सी कार खरीदी? नहीं पता, इसी वजह से मैंने यहां पर क्या आर्टिकल लगाया, आ। लेकिन अभी मैंने आपसे बोला हमने वाली कार खरीद ली, तो वाली कार खरीद ली का मतलब क्या हुआ? मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको पता चल गया मैं उस कार की बात कर रहा हूं जिसके बारे में आप भी जानते हो और जिसके बारे में मैं भी जानता हूं, ठीक है ना। लेकिन इस चीज को डिटेलिंग जब हम आर्टिकल द पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टिकल द का यूज कैसे कैसे होता है, कहां कहां होता है, और सबसे खास बात कहां इसका इस्तेमाल नहीं होता। हमारे एग्जाम में हम लोग कई बार ये पढ़ लेते हैं कि ये चीज यूज कहां होती है, पर ये नहीं पढ़ पाते, ये नहीं समझ पाते हैं कि वो चीज यूज कहां नहीं होती, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। तो आर्टिकल ए और एन होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, और आर्टिकल द होता है डेफिनिट आर्टिकल। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल ए और एन के बारे में, ठीक है ना। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को पहले से ही पता है, बस सुनते जाइएगा देखते जाइएगा। आर्टिकल ए और एन का जो मतलब होता है जनरल सेंस में, वो होता है एक के सेंस में। किस सेंस में होता है? एक के सेंस में होता है, जनरल सेंस में होता है, ठीक है ना। या इसी को हम एनी के सेंस में भी बोल सकते हैं। एनी का सेंस होता है कोई भी। जैसे मैंने बोला आई बॉट अ कार, तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा मैं किस कार की बात कर रहा हूं, तो वो कार कोई भी हो सकती है। तो ए और एन का जो मीनिंग होता है, ए और एन का जो मतलब होता है, वो होता है एक के सेंस में, एनी के सेंस में। एनी को हिंदी में बोलते हैं बच्चों कोई, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये लगता किसके साथ है, तो छोटी सी जानकारी है जरा देखिएगा कि जो आर्टिकल होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, ठीक। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल किस किस जगह पर आ सकता है। तो पहला पॉइंट देखिए, जो आर्टिकल आता है वो हमेशा किसी नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? जो आर्टिकल आता है वो हमेशा किसी नाउन के लिए आता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, पहला मैंने यहां लिख दिया अ, और मैंने यहां नाउन एक नीचे लिख दिया बॉय। तो आप देख सकते हैं ये हो गया अ बॉय। अ बॉय मीन्स एक लड़का, जनरल सेंस में वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सिंगुलर होता है, इसी वजह से नाउन भी यहाँ पर याद रखिएगा सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपने यहाँ बॉयज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। याद रखिएगा ए और एन जो होता है वो सिंगुलर नाउन लेता है, प्लुरल नाउन नहीं लेता है। तो पहला स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आर्टिकल जो होता है वो हमेशा किसी नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। दूसरा, इसका पोजिशन क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा कि आर्टिकल होगा, बीच में एडजेक्टिव होगा, और फिर यहां पर क्या होगा? नाउन होगा। आर्टिकल होगा, बीच में एडजेक्टिव होगा, और फिर यहां पर क्या होगा? नाउन होगा। अब एडजेक्टिव क्या होता है उसको थोड़ा सा छोटी सी इंफॉर्मेशन से समझिएगा। देखिए मैंने यहां पर एक लड़का बनाया, ये अभी एक नाउन है, पर्सन है, क्योंकि हर पर्सन क्या होता है? नाउन होता है। तो अभी एक पर्सन है, तो कितने पर्सन है? एक। तो मैंने क्या लिखा? अ, और नाउन के नीचे क्या लिख दिया? बॉय। मैंने लिखा अ और नाउन के नीचे क्या लिख दिया? बॉय। तो एक लड़का। अब आप देखिए लड़का है, बड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, तो क्या हुआ, इस बच्चे को पता चला कि इसकी शादी तय हो गई। इस बच्चे को क्या पता चला? इसकी शादी तय हो गई। तो बताइए अब ये कैसा लग रहा है? कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रहा है। तो इस बच्चे की मैंने एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, ये लड़का तो है पर ये लड़का कैसा दिख रहा है? बहुत खुश दिख रहा है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? हैप्पी। मैंने क्या लिख दिया? अ हैप्पी बॉय। मैंने क्या लिख दिया? अ हैप्पी बॉय। तो जरा बताइएगा जो आर्टिकल है अ, वो हमेशा किसके लिए आता है? वो आता है नाउन के लिए। इसका मतलब ये जो आर्टिकल है वो इस नाउन के लिए आया है, और उस नाउन की ये इंफॉर्मेशन है, उस नाउन की ये क्या है? इंफॉर्मेशन, जिसे हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो पता चला दूसरी पोजीशन क्या होती है कि आर्टिकल होता है वो आता है नाउन के लिए है, उसके पहले जो बीच में शब्द होता है वो एडजेक्टिव होता है जो उस नाउन की इंफॉर्मेशन होती है। यहां पर याद रखने वाली एक छोटी सी बात है, जरा उसको याद रखिएगा। वो बात क्या है? वो बात ये है कि जब हम एडजेक्टिव के साथ नाउन लगाते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया एन ऑनेस्ट मैन। मैंने एग्जांपल क्या ले लिया? एन ऑनेस्ट मैन। अभी आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहां पर एन आ गया, कहां पर ए आता है, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे प्रैक्टिकली।
अभी बस हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि एक आर्टिकल कहाँ कहाँ आ सकता है, क्योंकि ये भी हमें जानना उतना ही जरूरी है जितना ये जानना जरूरी है कि आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, ठीक है ना। तो एन का यूज कैसे होता है, आर्टिकल आ का यूज कैसे होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे वो भी प्रैक्टिकली। ठीक, देखिए एन जो आया है वो किसके लिए आया है, इस मैन के लिए आया है, एक मैन। मैन कैसा, अब उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। तो क्या है इंफॉर्मेशन, ऑनेस्ट। तो ये शब्द जो है वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। इसमें एरर क्या बन सकती है, जरा इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने यहां मैन को इरेज कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैन को इरेज कर दिया और यहां पर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, तो बताइए देखने में तो ये सही लग रहा है, एन ऑनेस्ट होता है, बचपन से पढ़ा एन आवर एन ऑनेस्ट साउंड पढ़ा होगा, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है कि आर्टिकल जो आता है वो नाउन के साथ आता है, आर्टिकल जो आता है वो नाउन के साथ आता है, पर यहां पर क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव। इस वजह से अब हम यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल को नीड होती है किसकी, नाउन की। नाउन के पहले जो होता है इंफॉर्मेशन वो एडजेक्टिव होता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ नहीं आता, आर्टिकल नाउन के साथ आता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने दो पोजीशन पढ़ ली है, अब देखते हैं तीसरी पोजीशन। साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, और जिन बच्चों को आता है पहले से ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनके लिए कोई जरूरी नहीं, नोट करें चाहे ना नोट करें, बस समझते रहिएगा। तीसरा स्ट्रक्चर क्या होता है इसी में, कि जो आर्टिकल होता है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। हम लोग इसको अभी पढ़ चुके हैं, उसके पहले कोई भी अगर उस नाउन की इन्फॉर्मेशन होती है तो वो क्या होती है, वो एडजेक्टिव होता है। तो याद रखिएगा बीच में एक शब्द और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं, जी हाँ एडवर्ब बोलते हैं, ठीक। तो जो आर्टिकल होता है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो अब मैंने क्या किया, इसी बच्चे को फिर से देखिएगा, यही एग्जाम्पल से हम लोग उतारते हैं, लड़का कितना, एक, ये एक है और ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया नाउन बॉय। कितने लड़के, एक लड़का, ये मैंने एडजेक्टिव जोड़ दिया। तो लड़का कैसा था, मान लेते हैं गुड ले लेते, क्या एडजेक्टिव जोड़ दिया, अ गुड बॉय, एक लड़का, लड़का कैसा, अच्छा। तो ये शब्द क्या हुआ आपका, ये शब्द हुआ आपका एडजेक्टिव। क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब इस अच्छाई की, इस गुड तो है लड़का अच्छा तो है, कितना अच्छा, इस एडजेक्टिव की भी हम एक इंफॉर्मेशन जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, अ वेरी गुड बॉय, मैंने क्या जोड़ा, अ वेरी गुड बॉय। तो अभी भी बताइए ये जो आर्टिकल है ए, ये किसके लिए आया है, ये नाउन के लिए आया है। किसके लिए आया है, नाउन के लिए। इस आर्टिकल का ना एडवर्ब से लेना देना है, इस आर्टिकल का ना एडजेक्टिव से लेना देना है। आर्टिकल हमेशा आता है नाउन के लिए, बस साउंड लेता है अपने से जस्ट बगल वाले वर्ड की। अब इसके बारे में हम चर्चा डिटेल में करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, मैंने लिखा एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैंने क्या लिखा, एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो जरा ध्यान से समझिएगा, ये है आर्टिकल एन। तो जरा बताइए आर्टिकल एन आया किसके लिए है, जी हाँ वेरी गुड, आर्टिकल एन आया है क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा, तो क्वेश्चन कैसा, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मीन्स होता है कठिन, एडजेक्टिव हो गया। कितना डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और एलवाई पे जो खत्म होने वाले शब्द होते हैं वो मोस्टली एडवर्ब होते हैं, पर ऐसा जरूरी भी नहीं है, एलवाई पे अगर कोई शब्द खत्म हो रहा हो वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ये शब्द अभी क्या है, एडवर्ब है। तो एक्सट्रीमली आया है डिफिकल्ट के लिए, डिफिकल्ट आया है क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन कैसा, डिफिकल्ट, और आर्टिकल जो आया है नाउन के लिए। तो अभी हम लोगों ने ये जाना कि आर्टिकल जो ए और एन और द होता है वो नाउन के लिए आता है, उसका जो सेकंड पोजीशन होती है वो उसके साथ साथ एडजेक्टिव भी ले सकता है, अ गुड बॉय जैसे। उसके बाद अगर उसके पहले कोई एडवर्ब लगा है किसी एडजेक्टिव के, तो ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने ये जाना कि आर्टिकल का पोजीशन कहाँ कहाँ होता है।
अब हम लोग इस बारे में जानकारी लेते हैं कि आर्टिकल ए और एन का यूज कैसे होता है और आर्टिकल ए और एन का यूज कहां होता है। ठीक, जरा इस बात को समझिएगा या ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी नियम आपको इस चैनल पे नहीं बताया जाएगा, पूरी की पूरी इंग्लिश में। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो आप लोगों को जितना पता है मैं उसको बता देता हूं कि ए और एन, तो आप लोगों को पता होगा आर्टिकल आ जो लगता है वो लगता है कॉन्सोनेंट के साथ और आर्टिकल एन जो लगता है वो लगता है वॉवेल के साथ। ये हम लोगों ने क्लास थर्ड से पढ़ना शुरू कर दिया था कि आर्टिकल ए जो लगता है वो लगता है कॉन्सोनेंट के साथ, आर्टिकल एन जो लगता है वो लगता है वॉवेल के साथ। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए और स्पेशली हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने एक चीज ये सीखी कि कभी कभी सर हम लोग हिंदी भी देखते हैं। क्या देखते हैं? हिंदी भी देखते हैं कि अगर वो हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल आ लगेगा, हिंदी का वॉवेल है तो आर्टिकल एन लगेगा। तो याद रखिएगा हिंदी एक अलग सब्जेक्ट है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। हम किसी भी चैप्टर में, इंग्लिश के किसी भी चैप्टर में हिंदी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखिए हिंदी ही पूछनी होती तो वो हम लोगों को ट्रांसलेशन भी दे सकता था, पर क्लास ट्वेल्थ के बाद ट्रांसलेशन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसीलिए नहीं आता क्योंकि हिंदी अपने आप में एक अलग ओहदा रखती है, हिंदी का एक अलग से खुद पेपर होता है बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को पता है, पर ये है क्या, एक रूल है। ये क्या है? एक रूल है। जरा इसका मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा, ये आप वाई हो गया और ये मैंने लिख दिया एन एग। ठीक है ना, लेकिन इतना लो लेवल एग्जाम में तो आएगा नहीं। ये बी कॉन्सोनेंट है, इस कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल आ गया, ये वॉवेल है, इस वॉवेल के पहले आर्टिकल एन आ गया। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे यूनिट लिख दिया। ठीक, अब जिन बच्चों को पहला वाला नियम पता होगा, कौन वाला? इंग्लिश वाला नियम। इंग्लिश वाला नियम क्या है कि अगर कॉन्सोनेंट है तो आ लगा दो, वॉवेल है तो एन लगा दो। तो हम लोगों ने यहां पर क्या लगा दिया? एन। ये कौन सा रूल था? इंग्लिश वाला रूल था। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़े, जैसे जैसे आपने हिंदी वाला रूल सीखा कि नहीं नहीं सर आपने गलत बताया है, सर हिंदी में इसको पढ़ते हैं यूनिट। क्या पढ़ते हैं? यूनिट। और ये लिखा हुआ है या से यज्ञ, या से यज्ञ लिखा हुआ है, जो कि सर कॉन्सोनेंट में आता है। और अगर ये कॉन्सोनेंट में आता है तो सर आर्टिकल आ आना चाहिए, आर्टिकल एन नहीं आना चाहिए। पर एग्जाम जो हमारा होता है वो ये नहीं देखता कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप उनके लिए सिर्फ एक कैंडिडेट है। ठीक है ना, तो हिंदी एक अलग भाषा है, हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही सीखेंगे। तो ये तो हो गया नियम। क्या हो गया नियम? कि वॉवेल हो तो एन लगा दो, कॉन्सोनेंट हो तो आर्टिकल आ लगा दो। अब हम यहां पर शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिकल इंग्लिश। आखिर प्रैक्टिकल इंग्लिश इस चीज को, इस टॉपिक को कैसे रिप्रेजेंट करती है, तो जरा ध्यान से समझिएगा एक एग्जांपल से। एक छोटा सा बच्चा था, ठीक, जो बड़ा ध्यान से समझिएगा, वो क्वेश्चन बड़ा ही नाजुक सा सवाल है, बड़ा ही हंसी वाला सवाल है, लेकिन सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है जरा समझिएगा। एक छोटा सा बच्चा था, टीचर बच्चे को पढ़ा रहे थे कि बेटा देखो, बेटा देखो आर्टिकल आ लिखा है। बच्चे ने कहा जी मैम, जी सर, जो भी हो। बेटा देखो ये क्या लिखा है? बॉय। जी सर, जी मैम। बेटा बी जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। जी। बी की वजह से यहाँ पर क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। जी, वेरी गुड। अगला मैंने एग्जाम्पल लिखा एन, आंट लिख दिया। ठीक, तो ये आ क्या है? वॉवेल है, इस वजह से आंसर क्या आया? एन आया। ठीक, अब उस बच्चे ने टीचर से क्या सवाल किया, ध्यान से समझिएगा। उस बच्चे ने टीचर से सवाल ये किया, अब बच्चे में बच्चा बन के ही बोलूंगा, समझिएगा। अले मैडम दी दला ये बताइए, इतना मतलब क्या होता है? तो मैडम ने बोला बेटा इसका मतलब एक होता है। अथा मैडम दे तो दिया हमने, इतना मतलब एक होता है। थी तो अतः मैडम ये बताइए इतना मतलब क्या होता है? देखिए बच्चे की टोन है, ठीक, तो इतना मतलब भी बेटा क्या होता है, इसका मतलब भी बेटा एक होता है। अच्छा दोनों का मतलब एक होता है? हाँ बेटा दोनों का मतलब एक होता है, दोनों ही सेम आर्टिकल है, दोनों ही इंडेफिनिट आर्टिकल। अच्छा मैडम एक बात बताओ, इतना मतलब एक होता है, इतना मतलब भी एक होता है, अदल हम इतो ऐथे लिख दें और इतो ऐथे लिख दें, तो मैडम दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? तो जरा एक बात बताइएगा,
टीचर का रिप्लाई तुरंत क्या आएगा, अरे बेटा मैंने भी क्या बताया, जब कॉन्सोनेंट होता है तो ये वाला आर्टिकल आता है, जब वॉवेल होता है तो ये वाला आर्टिकल आता है। फिर बच्चे ने क्या रिप्लाई दिया, अले मैडम मतलब तो दोनों ता एत ही होता है ना, ता इतना मतलब भी एत होता है, इतना मतलब भी एत होता है, तो हम ताहे ये लगा दें, हम ताहे ये लगा दें, हम आंत बोल दें, हम एन बॉय बोल दें, आथिर दित्तत क्या है। फिर से रिप्लाई क्या आएगा, तपित होता पित हो, कॉपी में देखो क्या लिखा है, तो कॉपी में लिखा है जब वॉवेल होता है तो एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट होता है तो आ लगाते हैं। लेकिन उस बच्चे का सवाल और उस बच्चे को उस सवाल का उत्तर नहीं मिला, ठीक है ना। तो उस बच्चे का क्या कहना है, मीनिंग दोनों की सेम है, बिल्कुल सही कह रहा है, तो आर्टिकल हमने इनमें लगा दे ये और इनमें लगा दे ये, तो आखिर दिक्कत क्या है, इसका जवाब किसी बुक में भी नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने जनरल इंग्लिश पढ़ी है। जनरल इंग्लिश जो होती है सीधे रूल्स पे डिपेंड होती है, ऐसा नहीं कि जनरल इंग्लिश खराब होती है, बहुत अच्छी होती है, बस पढ़ने का तरीका बदल जाता है। प्रैक्टिकल इंग्लिश में हम लोग नियमों से दूर रहते हैं, रियलिटी जानते हैं कि वो रूल बनाया कहां से गया होगा। तो याद रखिएगा, हमें नियम से नहीं पढ़ना है। तो हम इस सवाल को देते हैं रोक, इस सवाल को देते हैं काट। अब जानेंगे आखिर ये रूल जो बना कि वॉवेल के साथ एन आता है, कॉन्सोनेंट के साथ आ आता है, कहां से बना। तो जरा इस बात को समझिएगा प्रैक्टिकल इंग्लिश के माध्यम से। देखिए, आपके सामने एक बहुत देर से बेचारा लड़का बैठा हुआ है, फिगर बना हुआ है, ये कह रहा है बहुत देर से हमको बना तो दिया है, हम मेरे बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हो कि हम देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं, तुम चलो बेटा घर जाओ अपने, ठीक चले गए। अब देखिए, ये एक लड़का है बना हुआ फेस, तो बेसिकली ये लिखा हुआ है लिप्स टंग और टीथ, लिप्स टंग और टीथ, और ये है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड यहाँ पे एक नली टाइप की होती है, एरिया होता है, बायो के बच्चे बहुत अच्छे जानते होंगे, जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड, जहां से हमारे साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल चैप्टर जो है जिसमें ए और एन लगाते हैं वो साउंड का ही चैप्टर है, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं साउंड का ही बनता है। तो सबसे पहले ये जानिए साउंड कहां से निकलती है, वेरी गुड, साउंड निकलती है वोकल कॉर्ड से, और हम इन तीनों की मदद से, इन तीनों की हेल्प से लेटर्स और वर्ड्स को प्रोनंसिएशन करते हैं, उसको बोलते हैं। जरा एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, जैसे बोलिए ना, जैसे ना से नल होता है हिंदी में, तो ना बोलिए, आप देखेंगे अगर आप अपनी टंग पकड़ लें तो आप ना से नल नहीं बोल पाएंगे। जरा मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जरा देखिएगा, आ आ, मैं टंग को नहीं हिलने दे रहा हूं, मैं ना से नल नहीं बोल पा रहा हूं, ठीक है ना। मैंने बोला पा से पतंग होती, जैसे मैंने बोला पा, अब मैं अपने लिप्स को नहीं हिलने दूंगा तो आप देखेंगे कि मैं पा नहीं बोल पाऊंगा। देखिएगा, मैंने बोला मैं पा बोल ही नहीं सकता, तो पता क्या चला, कुछ लेटर्स को बोलने के लिए टंग का मूवमेंट हुआ, कुछ लेटर्स को बोलने के लिए लिप्स का मूवमेंट हुआ। अब जैसे मैंने बोला आ आ, तो आ जैसे ही मैंने बोला तो ना लिप्स का मूवमेंट हुआ ना टंग का मूवमेंट हुआ, वो डायरेक्ट साउंड कहां से आई, गले से आई, डायरेक्ट साउंड कहां से आई, गले से आई। तो जब ग्रामेरियन ग्रामर बना रहे थे, चैप्टर्स बना रहे थे, थ्योरी देख रहे थे, समझ रहे थे, तो उन्होंने एक चीज रियलाइज क्या करी, जरा उस बात को समझिएगा, वो चीज क्या थी, वो चीज ये है कि वी अवॉइड, हम लोग अवॉइड करते हैं, वी अवॉइड टू वोकल साउंड्स। मैं इसी चीज को प्रूफ करके बताऊंगा, We avoid two vocal sounds together. इसका हिंदी मतलब क्या होगा कि हम लोग लगातार दो बार, लगातार दो बार यहां से, जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड, यहां से लगातार दो बार साउंड का प्रोडक्शन नहीं करते। अगर आपने यहां से पहला लेटर बोला है तो अगला जो लेटर होना चाहिए वो इनमें से किसी एक की हेल्प से होना चाहिए। लगातार यहां पर दो बार अगर आप प्रेशर दोगे, लगातार दो बार यहां से ही शब्द बोलोगे, उसको बोलने में दिक्कत होगी, और किसी भी भाषा में उसको ऑड माना जाता है, ठीक ना, फ्रिक्शन वगैरह पैदा होता है, इस वजह से उसको ऑड माना जाता है। इसी चीज को मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं, जरा देखिएगा, ये मैंने लिखा आर्टिकल अ, और ये मैंने लिखा एग्जाम्पल आर्टिकल, सॉरी नाउन लिखा आंट, इसका मतलब है एक चींटी। अभी आपको भी पता है ये गलत है, मुझे भी पता है ये गलत है, क्यों गलत है आपको ये समझना है। यह देखिए, आप जब इस लेटर का प्रोनंसिएशन करते हैं तो जैसे आप बोलेंगे आ,
आ, इसको क्या ए नहीं बोला जाता, याद रखिएगा जब हम शब्दों के साथ इसको पढ़ते हैं तो इसको आ बोला जाता है, जब इंडिविजुअल लिखा हो अकेले लिखा हो तो हम लोग जैसे कैपिटल लेटर में एफ आर एपिल होता है उसको ए बोलते हैं। तो ये लिखा है आ, तो आप देखेंगे ये साउंड डायरेक्ट गले से आई, आ बोलने में लिप्स टंग टीथ इन तीनों में से किसी का मूवमेंट नहीं हुआ। तो मैंने क्या बोला आ, आ जो साउंड आई वो कहां से आई, वो वोकल कॉर्ड से आई, कहां से आई यहां से डायरेक्ट आई, जिसे हम लोग गला भी बोलते, गले के अंदर का हिस्सा होता। ठीक, अब ये वाली साउंड देखिए जरा, इसको फिर से बोलिए तो ये भी साउंड कहां से आई आ, उसके बाद फिर से क्या बोला मैंने आ, तो देखेंगे ये भी साउंड वोकल की है गले की है, और ये भी साउंड वोकल की है गले की है। तो ग्रामेरियन ने क्या कहा कि बेटा बच्चों कि आप जब भी दो शब्दों को मिलाएंगे आर्टिकल का जब आप यूज करेंगे तो लगातार दो बार वोकल साउंड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा पैदा होता है। इसी वजह से उन्होंने बीच में एक कॉन्सोनेंट डाल दिया, क्या डाल दिया, एक कॉन्सोनेंट डाल दिया एन के नाम से। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ ये दोनों जो वोकल साउंड है, दोनों जो गले की साउंड है उसको टकराने से किसने रोक लिया, इस आर्टिकल एन के एन फॉर नेस्ट ने रोक लिया। तो यहां से ये पता चला कि एक साथ दो वोकल साउंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको रोकने के लिए कौन सा आ जाता है लेटर एन। अब जैसे वो बच्चा पूछ रहा था ऐथा त्यों, अब उस बच्चे को आप बता सकते हो ऐथा त्यों इधर दे दो, इधर क्या दे दो, दे दो बेटा। जब आप किसी भी वर्ड का प्रोनंसिएशन करते हो अगर उसकी पहली साउंड गले से आ रही, क्या आ रही, गले से आ रही है, तो उसके बगल वाली साउंड भी गले से नहीं आनी चाहिए, कहीं और से आनी चाहिए, या तो वो लिप्स हो सकता है, या तो वो टंग हो सकता है, या तो वो टीथ की मदद से हो सकता है। ठीक है ना, अब इसी चीज को हमारे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देते हैं, इसी चीज को हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे आर्टिकल एन लगाना है और कैसे आर्टिकल आ लगाना है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए किसी भी नाउन का, किसी भी वर्ड का जब आप प्रोनंसिएशन करते हैं, प्रोनंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, किसी भी वर्ड का प्रोनंसिएशन करते समय अगर पहली साउंड, कौन सी साउंड, अगर पहली साउंड डायरेक्ट गले से आए, पहली साउंड डायरेक्ट गले से आए तो हमेशा कौन सा आर्टिकल लगता है, एन आर्टिकल लगता है। क्यों लगता है जरा समझिएगा, क्योंकि ये आ जो होता है वो गले से बोला जाता है, फिर यहां पर गला रखा हुआ है पहले से ही, तो गला और गला दो गले के बीच में एक कॉन्सोनेंट की साउंड रखी गई। ठीक है ना, उसके बाद अगर किसी भी वर्ड का प्रोनंसिएशन करते समय, किसी भी वर्ड का प्रोनंसिएशन करते समय पहली साउंड, कौन सी साउंड, पहली साउंड लिप्स से, टंग से या टीथ के मूवमेंट से आ जाए, पहली साउंड लिप्स टंग टीथ के मूवमेंट से आ जाए तो आर्टिकल कौन सा लगेगा, आ। क्यों लगेगा, क्योंकि लिप्स टंग टीथ जब आपने एक बार उसका मूवमेंट कर लिया तो अगली जो साउंड होगी वो यहां से होनी चाहिए, या जब आपने पहले ही गले का इस्तेमाल कर लिया, ये गले की साउंड है तो अगली साउंड जो होगी वो गले की नहीं होगी, देखिए वो साउंड किसकी है, या तो लिप्स की है, या तो टंग की है, या तो टीथ की है। ये तो मैंने प्रैक्टिकल मेथड बताया, इसी चीज को और डीपली प्रूफ करने के लिए मैं अभी हिंदी का मेथड भी बताऊंगा, लेकिन हिंदी का वो वाला मेथड नहीं, वोवेल कॉन्सोनेंट वाला, रियलिटी वाला मेथड बताऊंगा। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, उन एग्जांपल्स की मदद से ए और एन कैसे यूज किया जाता है हम उसको जानेंगे। जरा देखिए पहले बेसिक एग्जाम्पल, इजी इजी, फिर इजी से हम लोग बढ़ेंगे हाई की तरफ। ठीक है ना, मैंने लिखा बकेट, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, ऑरेंज, वन आइड मैन, ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जो हर बुक में आपको मिल जाएगा, इसमें से एक दो शब्द हमारे एग्जाम में आ भी चुके हैं। ठीक है ना, बहुत बेसिक वर्ड्स है, ये भी टफ नहीं है। ठीक, अब जरा देखिएगा ध्यान से, पहला शब्द लिखा हुआ है नाउन जो कि लिखा है बकेट, क्या लिखा हुआ, बकेट। तो मैंने क्या तरीका बताया, किसी भी वर्ड का प्रोनंसिएशन करते समय पहली साउंड, तो देखिए पहली साउंड बा, बकेट की पहली साउंड क्या है, बा। जैसे ही आप बोलेंगे बा तो आप देखेंगे लिप्स का मूवमेंट होगा, आप सोचेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, इसका एक तरीका भी है,
आप अपना मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। अब मुंह खोल के अगर साउंड आ गई इसका मतलब गले से आई, मुंह खोल के साउंड नहीं आई इसका मतलब लिप्स, टंग या टीथ का मूवमेंट हुआ। देखिएगा मैंने मुंह खोला, अब मैं बा जैसे ही बोलूंगा तो मेरे लिप्स हिलेंगे, जरा देखिएगा बा। इसका मतलब बकेट बोलने के लिए सबसे पहले आपको लिप्स का मूवमेंट करना पड़ेगा, और अगर लिप्स आएगा तो आर्टिकल क्या आएगा, आ आएगा। हाँ, ए नहीं बोलते उसको आ बोलते हैं, जरा याद रखिएगा। इसकी पहली साउंड क्या है, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला की पहली साउंड क्या है, आ। मैं आपको प्रोनाउंसिएशन करके बता रहा हूं, देखिए आ आ। मैं होंठ पकड़ लूं मेरे होंठ नहीं हिलेंगे, मैं टंग पकड़ लूं मेरे टंग नहीं हिलेंगे, आ आ। अम्ब्रेला की पहली साउंड आ आ। तो आ जो आ रहा है डायरेक्ट गले से आ रहा है, जब गले से साउंड आती है तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अगली साउंड जो है लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी की पहली साउंड जरा बोलिए, हाँ। अब जरा होंठों को ना हिलने दीजिए, जरा होंठ पकड़ के बोलिए, देखिए मैं होंठ पकड़ के बोल रहा हूँ, लिप्स को ये हिलेंगे, ये जिद करेंगे कि मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे यू बोलना है। इसका मतलब यू बोलने के लिए सबसे पहले लिप्स का मूवमेंट होगा। अगर कोई बच्चा बिना लिप्स के यू बोल दे उसको 500 रुपए का इनाम मिलेगा, जो कि मैं जानता हूं पॉसिबल नहीं है, तो आप भी जानते हो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी पहली साउंड यू लिप्स के मूवमेंट से आई है, और जब लिप्स का मूवमेंट होता है तो उसमें आर्टिकल आ लगता है, एन नहीं लगता। तो देखिए दोनों लेटर सेम हैं लेकिन दोनों के बोलने में अंतर है। आपने यूनिवर्सिटी बोला तो लिप्स से आया, अम्ब्रेला की पहली साउंड बोली तो, हाँ जी वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं अगला एग्जांपल, ऑरेंज, क्या लिखा हुआ है, ऑरेंज। इसको ऑरेंज नहीं बोलते, इसको ऑरेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑरेंज। आ आ गले से आ रही है तो आंसर क्या आएगा, एन। अब जरा अगला जो शब्द है ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दो तरीके से, कई बार यहाँ पर मतलब देखने को मिला है कि 1 रुपी नोट या 1-eyed man, दोनों एग्जाम्पल एक ही चीज है, साउंड दोनों की सेम है। देखिएगा वन क्या लिखा हुआ है, वन। अब जरा बिना लिप्स के वा बोलिए, देखिए मैं पकड़ के बता रहा हूं, आ आ आ निकलेगा, वा बोलने के लिए लिप्स का मूवमेंट होगा, और जैसे ही लिप्स का मूवमेंट होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आ आ जाएगा। यहां पर भी लेटर सेम है, यहां पर भी लेटर सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आंसर का डिफरेंस है। याद क्या रखना है, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है हमें इससे मतलब नहीं है, वो शब्द को उस शब्द की पहली साउंड को बोला कहां से गया, ठीक है ना। अगला एग्जांपल लिखा हुआ है बीए, तो इसमें आ जाएगा आर्टिकल आ, क्योंकि बा वाला हम पहले कर चुके हैं। बा बोलने के लिए, पा बोलने के लिए आपको लिप्स का मूवमेंट करना ही पड़ेगा। अगला जो साउंड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एमए, जो शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एमए। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूं, जरा देखिएगा, एमए को मैं बोलने जा रहा हूं तो एमए की पहली साउंड होती है ए, मु मा होगी सेकंड साउंड, ए होगी पहली साउंड। तो देखिए मैं एमए बोलने जा रहा हूं, पहले मैं लिप्स पकड़ रहा हूं, देखिए ए ए, मैंने लिप्स को पकड़ा कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन कर लिया। अब मैं इसकी टंग को पकड़ के आपको चेक कराता हूं, देखिए ए ए, मैंने टंग पकड़ लिया तब भी इसकी पहली साउंड निकल गई, इसका मतलब ना लिप्स का मूवमेंट हुआ ना टंग का मूवमेंट हुआ, और टीथ का मूवमेंट वैसे भी इसमें नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये साउंड कहां से आई है, गले से आई है। जब गले से आई है तो आंसर क्या आएगा, एन आएगा, भले ही ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, जी हाँ कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है। अब कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं, कई जगह स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में इसको यम पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, यम। तो याद रखिएगा यम, यल, यन, यस ऐसा कुछ नहीं होता, एल एम एन होता है, ठीक है ना। अगर आप इसको या पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, यम, तो देखिए या को जैसे ही आप बोलेंगे आपकी टंग का मूवमेंट होगा। आप देखिए मैं बिना टंग के या नहीं बोल पाऊंगा, देखिएगा आ ही निकलेगा, या बोलने के लिए टंग ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन इसको यम पढ़ते ही नहीं है, इसको क्या पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक से छोटे छोटे एग्जांपल। अब मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ अच्छे और कुछ कंफ्यूजिंग वाले बहुत ढेर सारे एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं उसमें कौन सा आंसर आएगा और कौन सा आंसर नहीं आएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं समझने के लिए, जो भी अभी हमने पढ़ा है
जो भी मैंने अभी प्रैक्टिकल इंग्लिश के मेथड से पढ़ाया है उस मेथड से देख लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और देख लीजिए, ये मैंने हिंदी का कुछ बनाया हुआ है बॉक्स में, हिंदी वाला मैं मेथड भी अभी आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, ये जो माँ से माँ लिखा हुआ है ना, जब आप माँ का वर्ण विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो माँ ये टूटता है आधा माँ प्लस छोटा आ, आधा माँ प्लस छोटा आ। ये ऐसा क्यों होता है जरा देखिएगा, जैसे ही मैं बोलूंगा माँ तो माँ में सबसे पहले आएगी लिप्स, लेकिन माँ के बाद ये जो आ की साउंड होगी वो आती है आपके गले से। देखिएगा माँ माँ, सबसे पहले लिप्स आई, लिप्स के बाद गला आया। तो वही मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एक बार अगर लिप्स आएगा तो दोबारा उसके बाद गले की साउंड आएगी। पी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मैंने बड़ी ई की मात्रा लगा दी, तो जैसे आप बोलेंगे पी तो सबसे पहले लिप्स हिलेगा, पी के बाद जो ई की साउंड होगी ई ई ई वो डायरेक्ट गले से आती है। यहां से भी पता चल गया। अब मैंने दो शब्दों को, सॉरी शब्द एक है उसको पार्ट में तोड़ दिया है, कैसे, रथ रथ, तो आधा रा प्लस आ, आधा था प्लस आ, इसी को बोलते हैं हिंदी में वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद कैसे बना, इसमें एक चीज ध्यान से देखिएगा कि अगर एक वॉवेल है, अगर एक वॉवेल है तो उसके पहले क्या मौजूद है, कॉन्सोनेंट। अगर एक वॉवेल है तो उसके क्या पहले मौजूद है, कॉन्सोनेंट। अगर वॉवेल है तो उसके पहले क्या मौजूद है, कॉन्सोनेंट। अगर वॉवेल है उसके पहले क्या मौजूद है, कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले क्या मौजूद है, वॉवेल। तो पता ये चला कि लगातार आप देखेंगे यहां पर लगातार दो स्वर, लगातार दो स्वर एक साथ नहीं इस्तेमाल किए जाते, वही जो दो स्वर होते हैं वही हमारी गले की साउंड होती है। तो दो स्वर के बीच आपको एक, दो स्वर के बीच आपको एक व्यंजन जरूर मिलेगा जब आप हिंदी से इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, हिंदी से इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो हिंदी वाले मेथड से भी अभी मैं आपको इसी में बता दे रहा हूं, जल्दी से आप इसमें आंसर देखिए कौन कौन से आएंगे, ठीक, हमारे साथ मिलाते चलिएगा, मैं आपको समझाता जा रहा हूं। अपना आंसर जो आपने मन में दिया है या नोट करके दिया है उसी हिसाब से आप देखते रहिएगा। देखिए पहला वर्ड लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म। तो जैसे ही आप यूनिफॉर्म का प्रोनंसिएशन करेंगे तो यू में सबसे पहले आपके लिप्स का मूवमेंट होगा, किसका मूवमेंट होगा, लिप्स का, और जब लिप्स का मूवमेंट होगा तो आंसर क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एन। अब इसी चीज को हिंदी वाले मेथड से देखिए, जब आपने इसका प्रोनंसिएशन किया यू तो देखिए या से यज्ञ होता है इसकी पहली साउंड, कौन सी साउंड, या से यज्ञ होता है, सॉरी मैंने आर्टिकल एन लिख दिया है, यहां आर्टिकल एन नहीं आएगा, आर्टिकल आएगा, ठीक, देखिए क्योंकि लिप्स आ रहा है, लिप्स में आर्टिकल आ आता है, ठीक, देखिएगा। तो यूनिवर्सिटी, सॉरी यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, पहली इसकी साउंड क्या है, या अगर ये हिंदी का कॉन्सोनेंट है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर हिंदी का कॉन्सोनेंट है या, तो उसके बगल में क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने यहां से पढ़ा अगर कॉन्सोनेंट है तो स्वर चाहिए, स्वर है तो कॉन्सोनेंट चाहिए, इसे हम लोग हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। तो या अपने आप में पहले से व्यंजन है तो अब आपको यहाँ पर स्वर चाहिए होगा, क्योंकि एक व्यंजन आता है तो फिर स्वर आता है, फिर एक स्वर आता है तो फिर एक व्यंजन आता है। तो देखिए आ यहां पर इस वजह से सही है क्योंकि आ स्वर है, ये व्यंजन है, दो स्वर एक साथ नहीं टकरा रहे, ठीक। अगला एग्जांपल, ये लिखा हुआ है ऑक्स, क्या लिखा हुआ है, ऑक्स, क्या लिखा हुआ, वेरी गुड। तो इसकी पहली साउंड कहां से आ रही, गले से आ रही, आ आ, कहां से आ रही, गले से आ रही, ऑक्स आ आ, जब गले से आ रही तो आंसर क्या आएगा, एन आएगा। इसी को हिंदी से प्रूव करते हैं, पहली इसकी साउंड क्या है, आ, क्या साउंड है, आ, आ है स्वर, तो जरा बताइए अगर स्वर आ गया है तो क्या फिर से स्वर आएगा, नहीं आएगा, बगल में क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। तो देखिए ये इसको ऐसे लिखते हैं एन, कैसे लिखते हैं, एन। तो जरा ध्यान से देखिए, जब ये स्वर आ गया तो देखिए अब दोबारा उसके बगल में स्वर नहीं लिखा हुआ है, व्यंजन लिखा है, क्योंकि स्वर ये लिखा हुआ है, तो एक ये स्वर और एक ये स्वर, दो स्वरों को रोकने से, सॉरी दो स्वरों का यूज करने से रोका जाता है। सेम इसी का रियलिस्टिक क्या है, दो वॉवेल की साउंड, सॉरी दो कॉन्सोनेंट की साउंड बोलने से रोका जाता है। अब जल्दी से एग्जांपल को देख लेते हैं,
कुछ बच्चे ने यहां पर ये सोचा होगा एन अगली आएगा, क्या आएगा एन अगली, लेकिन याद देखिएगा साउंड के हिसाब से तो एन आएगा पर यहां पर अभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगली जो है वो एक एडजेक्टिव है और आर्टिकल नाउन के साथ आता है, किसी एडजेक्टिव के साथ नहीं आता। अगला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, यूनिक थिंग। तो देखिए यूनिक तो एडजेक्टिव है, ये इसका नाउन है, यहां पर आर्टिकल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये एडजेक्टिव है, नाउन पहले से दिया हुआ है। यूनिक, लिप्स का मूवमेंट होगा तो आंसर क्या आएगा आ, लिप्स का मूवमेंट हो रहा है, यू यू लिप्स का मूवमेंट। अगला लिखा हुआ है यूरोपियन, क्या लिखा हुआ है यूरोप में रहने वाले लोगों को यूरोपियन, तो लिप्स का मूवमेंट हुआ है तो आंसर क्या आएगा आर्टिकल आएगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है इंडियन, क्या लिखा हुआ है इंडियन। देखिए मैं लिप्स पकड़ के बोल रहा हूं, ई ई बिना लिप्स के साउंड आई, टंग पकड़ के ई ई ई, टंग का मूवमेंट नहीं हो रहा, ई की साउंड आ रही है। जब ई की साउंड आ रही है तो गले से आ रही है, इस वजह से आंसर क्या आएगा एन। हिंदी से देख लेते हैं इसको, ये छोटी ई से इमली है, ई जो है वो स्वर होता है तो क्या बगल में फिर से स्वर आएगा? नहीं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं एन। जब ये स्वर आ गया है तो अब बगल में व्यंजन आना चाहिए, और देखिए ना से नल जो है वो व्यंजन है, दो स्वर को टकराने से रोक रहा है। अगला क्या लिखा हुआ है वन वे टिकट, इसमें सबसे पहले क्या आएगा लिप्स आएगा, वेरी गुड, क्या आएगा लिप्स, तो अ वन वे टिकट हो जाएगा। ठीक, एन एस डी ओ या ए एस डी ओ, तो एस का प्रोनंसिएशन भी जैसे एम का था वैसे ही एस का होगा। ए स सा सेकंड साउंड है, ए फर्स्ट साउंड है, देखते कौन सी साउंड है फर्स्ट साउंड, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा एन। क्यों एन आ जाएगा एस डी ओ। इसको हिंदी से भी देख लेते हैं, ए यहां पर है, ये है वॉवेल, बगल में चाहिए कॉन्सोनेंट, देखिए ये कॉन्सोनेंट लगा हुआ है ना से नल, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल, ये आप लोग जानते हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत पुराना है, बहुत बेसिक है, बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको आर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आर, एन आर होता है, ठीक है ना। तो ये भी गले से साउंड आती है, कहां से साउंड आती है गले से, आ र, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है अशर, क्या लिखा हुआ है अशर, इसका मतलब होता है हिंदी में द्वारपाल, जो गेट पे से डंडा लिए खड़े रहते हैं, तो अशर अशर अशर, पहली साउंड गले से आ रही है तो आंसर क्या आएगा एन आएगा। ठीक, अब अगला जो शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यूजर, क्या लिखा हुआ है यूजर यूजर। जैसे ही आपने इसका प्रोनंसिएशन किया लिप्स का मूवमेंट होगा, चाहे तो आप करके देख लीजिए, हिंदी से भी देख लेते हैं इसको। ये लिखा हुआ है अशर, आ है आपका वॉवेल, तो बगल में आपको चाहिए कॉन्सोनेंट, तो देखिए ना से नल जो है ना कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, दो स्वर या दो गला एक साथ नहीं आता, ये लिखा हुआ यूजर। ठीक, अगला लिखा हुआ है अर्न, इसका मतलब होता है कलश, क्या होता है कलश होता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा जेठालाल हमारे लिए रहते हैं ऐसे, वो सूर्य वंदना ऐसे करते हैं, ठीक है ना, तो वही जो कलश होता है। ठीक, तो अर्न क्या होता है अर्न, आ पहली साउंड कहां से है गले से आएगी, तो आंसर क्या आएगा एन आएगा। लिखा हुआ है अनपार्डनेबल ऑफेंस, अनपार्डनेबल ऑफेंस, तो ये शब्द एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये अपने आप नाउन हो गया। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, अनपार्डनेबल का मतलब होता है जिसे माफ ना किया जा सके। अन एक यहाँ प्रफिक्स है, पार्डन एक रूट है, एबल सफिक्स है, ये प्रफिक्स सफिक्स मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। तो कौन सी साउंड आएगी गले की साउंड आएगी, ठीक एन अनपार्डनेबल। हिंदी से देखेंगे आ, अगर ये पहली साउंड आ आई तो आगे हमें चाहिए कॉन्सोनेंट, क्योंकि वॉवेल आ चुका है, दोबारा वॉवेल नहीं आएगा, ठीक है ना। अब अगला जो लेटर लिखा हुआ है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो याद रखिएगा इसको ईयर नहीं पढ़ा जाता, क्या नहीं पढ़ा जाता इसको ईयर नहीं पढ़ा जाता, इसको ईयर पढ़ा जाता, इसमें टंग पहले आती है। ईयर जो होता है वो कान होता है, ये होते हैं कान, ये ईयर नहीं होता, इसको क्या पढ़ा जाता है यर पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है यर। क्यों होता है जरा हल्का सा समझ लीजिएगा, जो वाई होता है क्या होता है, ये वाई होता है सेमी वॉवेल, क्या होता है सेमी वॉवेल, ई भी क्या है वॉवेल, ए भी क्या है वॉवेल। तो अभी हमने क्या सीखा, एक साथ दो इस्तेमाल नहीं होते, यहां पर तो तीन तीन आ गए, एक सेमी वॉवेल, एक ये वॉवेल और एक ये वॉवेल। इसी वजह से ऐसे लेटर्स में, ऐसे शब्दों में क्या किया जाता है, किसी ना किसी लेटर का लोप कर दिया जाता है, लोप इन द सेंस उसको साइलेंट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है।
इसी वजह से इसको ईयर नहीं पढ़ते, इसको यर पढ़ते हैं। इसमें ई का साउंड हटा दिया जाता है, ई का साउंड हटा दिया जाता है। अब ये इसका क्या बन जाता है, यार नहीं यर, यार में डबल ए लगेगा। ठीक, तो यर जैसे आप पढ़ेंगे तो या बोलेंगे, जैसे देखिएगा टंग मैंने पकड़ी आ, आ ही निकलेगा। या बोलने के लिए टंग का मोमेंट होगा, इस वजह से आंसर क्या आएगा, आ यर होता है, एन यर गलत माना जाता है। अगला में कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता, इसके लिए यहाँ पर एक नाउन होना चाहिए। अगला लिखा हुआ येलो, या में क्या होता है, टंग आएगी। आप बोल के देखेंगे बिना टंग के बोलिए आलो 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 ही निकलेगा, लेकिन या बोलने के लिए टंग का मोमेंट होगा, इसकी वजह से आंसर क्या आएगा, अ येलो शर्ट। और येलो यहां पर एडजेक्टिव है और शर्ट आपका क्या है, नाउन है। और लास्ट क्या लिखा हुआ है, एच एम टी वॉच, तो एच एम टी अब यहां पर एडजेक्टिव है। याद रखिएगा जो आर्टिकल आएगा वो इस नाउन के लिए आएगा, इसका नाउन कौन है, वॉच। तो एच एम टी की पहली साउंड क्या हुई, ए, फिर सेकेंड साउंड क्या हुई, च, ए च, ठीक है ना। तो ए ए ए कहां से आ रहा है, वोकल कॉर्ड से आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिकल एन। ये थे आपके सामने कुछ बेसिक एग्जांपल्स, कौन से एग्जांपल, ये बेसिक एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में या तो ये फिलर्स के फॉर्म में आते हैं, एरर्स के फॉर्म में आते हैं, या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में आते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को एक बेसिक बताया है, आज मैंने आपको ये बता दिया कि आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कहाँ होता है और कैसे होता है। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम ये जानेंगे कि आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता है। जितना जरूरी है कहाँ होता है जानना, उतना ही जरूरी है कहाँ नहीं होता है जानना, क्योंकि एग्जाम का अपना एक स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए हमें प्लस माइनस दोनों चीजें पढ़नी है, कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो आई होप आप सभी बच्चों के ए और एन का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने हिंदी का मेथड भी बता दिया, मैंने रियल लाइफ का मेथड भी बता दिया कि रियल लाइफ में ऐसा होता है, इसी वजह से ऐसा होता है। कोई चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, हर चीज हम लोग अपने लाइफ में प्रैक्टिकली ही इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा में भी प्रैक्टिकलिटी लाएंगे, ठीक है ना। तो आज अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, आप लोग इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें जानेंगे आर्टिकल पार्ट टू का, कहां पर ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, सभी बच्चों को धन्यवाद।